बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बेहद अहम खबर, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से लपेटे में लिया है। आपको बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर प्रियंका गांधी हमला बोलती हुई नजर आई है और कहा है कि किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, बेहद अहम खबर। नागरिकता कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को भी अपनी आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। नागरिकता कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने हमला बोला है, केंद्र सरकार को घेरे में लिया है और कहा है कि किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, जहां एक तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है नागरिकता कानून को लेकर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं है, इंटरनेट सेवा और मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। स्पर्श देखिए, बिल्कुल दीपशिका, विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार के यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ जो है लामबंद नजर आ रहा है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, तमाम अन्य पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। और आज एक बड़ा हमला जो है प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जो है बोला है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जो है बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट जो है बंद कर दिए गए हैं और जो हर जगह की जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है बंद कर दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है, लोगों को जो है अपनी आवाज उठाने नहीं दिए जा रही है और टैक्स पेयर का जो करोड़ों का खर्चा है वो विज्ञापन में निकाला जा रहा है। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो है विपक्ष भी अब जो है केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहा है कि जिस तरीके से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये लाया गया है उसके खिलाफ जो है विपक्ष आवाज उठा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी खुद जो है इंडिया गेट पर जाकर जो है धरने पर बैठ गई थी और उसके बाद आज जिस तरीके से प्रदर्शन जो बयान निकलकर सामने आया प्रियंका गांधी का वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल स्पर्श, सुरक्षा के चलते 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। स्पर्श, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आपने अभी ये भी बताया कि जागरूकता को लेकर भी अब बैठक करेगी बीजेपी, तो जागरूकता वाकई एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जागरूकता नहीं होने की वजह से लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है। और जिस तरीके से एक सर्वे किया गया था उसमें लोगों से पूछा गया कि एनआरसी क्या है या ये जो बिल पास हुआ है नागरिकता संशोधन बिल जो कानून बन चुका है अब, इसके बारे में पूछा तो लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लोगों को ये नहीं पता है कि ये भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है और इसके लिए बैठक अहम भी हो जाती है, जरूरी भी है। जी स्पर्श, की जो कमी निकलकर सामने आ रही है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर प्रदर्शनकारी जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं। एनआरसी को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। एनआरसी सिर्फ असम में लगाया गया था, लेकिन जो प्रदर्शनकारी ज्यादातर है वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद पूरे देश में एनआरसी लगा देगी, लागू कर देगी, तो वो जो जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो कहां जाएंगे। इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं जागरूकता भी जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। सरकार ने आज कई बड़े जो पेपर्स है उसमें कौन कहीं ना कहीं जो विज्ञापन देने का काम जो है वो किया है कि आप जो है अफवाहों से दूर रहें, अफवाहों को जो है ध्यान ना दें और आप जो है पूरी तरीके से भारत में सुरक्षित है, आपकी नागरिकता को लेकर किसी तरीके का जो 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 संशय है वो नहीं उठ रहा है। इसीलिए जो है ये प्रदर्शन पूरे देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं और आज अलग अलग तरीके से जो तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो प्रदर्शन बुलाया हुआ है उसको लेकर जो है काफी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है ना केवल दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर देश के कई राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पूरी तरीके से जो है प्रदर्शनकारियों को जो है समझाया बुझाया जा रहा है। योगेंद्र यादव का मैं बयान बता दूं कि वो क्योंकि लाल किले पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे, तो उन्होंने कहा है कि करीब 1000
हजार के आसपास जो है लोगों को डिटेंशन किया गया है। इसमें जो है संदीप दीक्षित का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है और अन्य नेताओं का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में जगह जगह प्रदर्शन दिल्ली में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम जो है अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई जानकारी निकलकर नहीं सामने आ रही है। जी स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि मंडी हाउस में धारा 144 लगाई गई है और ना सिर्फ दिल्ली या बल्कि उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं इन प्रदर्शन के चलते।